खबर आजमगढ़ के कस्बा सरायमीर से है, जहां सरायमीर रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट दलालों द्वारा टिकट ब्लैक करने की शिकायत पर आरपीएफ इंचार्ज मिर्जा राशिद बेग व उनकी टीम द्वारा जांच करने सरायमीर पहुंची टीम। सरायमीर रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट दलालों द्वारा टिकट ब्लैक करने की शिकायत पर उच्च अधिकारियों के आदेश व निर्देश पर आरपीएफ इंचार्ज मिर्जा राशिद बेग व उनकी टीम द्वारा जांच करने सरायमीर पहुंचे लोग। टीम के पहुंचते ही दलाल तो फरार हो गए। जब आरक्षण कार्यालय खुलवाकर आरक्षण बाबू से बात करनी चाहिए तो टिकट बाबू ने दरवाजा खोलने में देरी की व कंप्यूटर को हैंग कर दिया, जिसके चलते बने टिकटों व कैश का मिलान नहीं हो सका। लगभग 64,000 कैश मिला। छापे की सूचना पर डीसीआई अखिलेश सिंह भी सरायमीर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इनकी उपस्थिति में कैश का मिलान हुआ। आरक्षण बाबू अर्जुन के पास से 3 मोबाइल फोन मिले, जिसमें 2 लॉक था, जिसको उन्होंने लॉक खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि डीसीआई अखिलेश सिंह के कहने पर ही लॉक खोलूंगा। एक मोबाइल में टिकट निकालने का दलालों का विवरण पाया गया और एक व्यक्ति जो तत्काल आरक्षण खिड़की पर एक नंबर पर था, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा टिकट भी बन गया है, फॉर्म भी नहीं भरा है और अभी पैसा भी नहीं दिया है, टिकट अंदर है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने पूरे विवरण की लिखा पढ़ी कर मोबाइल जांच हेतु कब्जे में लिया है। डीसीआई अखिलेश सिंह ने गुस्से में कहा कि आरपीएफ को इस तरह की जांच करने का अधिकार नहीं है। बहुत जल्द रिपोर्ट लगाकर सरायमीर आरक्षण काउंटर को लिखा पढ़ी कर बंद करा दूंगा। डीसीआई की बातों व उनकी कार्यशैली से लग रहा था कि रेलवे टिकट आरक्षण का गोरख धंधा उनके संरक्षण में चल रहा है, जिसमें स्टेशन मास्टर भी सम्मिलित हैं। आम जनता को रेलवे टिकटों आरक्षण न मिलने और सरायमीर रेलवे आरक्षण खिड़की से बना टिकट ऊंचे दामों पर ब्लैक होना एक बड़े रैकेट की मौजूदगी का आभास करा रहा है। पीएलएन न्यूज के लिए नूरुलैन फिरोजी की रिपोर्ट। हम वहां गिनती करते हैं वो कैश वहां कितना है और यहाँ कैश कितना है। अरे भाई तो तुमको नहीं हाथ लगाना था, जिसे सब वहां भी चलते यहाँ भी चलते, दोनों मिला लेते लेते या इनसे लेते, ये पहले यहाँ चेक कर लेते, आपको पर्सनल चेक कर, फिर वहां कितना कैश रखा आपने वो मिलाते। अब तुमने वहां पे क्या डलवा दिया हो तो क्या पता, और वहां से तुम कैसे उठा के ला गए, बराबर करवा दिया। यहाँ यहाँ पीआरएस का जो आज 8 बजे से हुआ है वो कौन सा, यही है उसका बना के जोड़ के दीजिए। नहीं ये इन्होंने जो है ना पैसा वहाँ से कल का भी लाया, पैसा कल का नहीं, ये आज का टिकट जो स्टेशन मास्टर बनवाया था वो पैसा उसने डलवा दिया। पैसा होता ना वहाँ पता चलता ना, वहाँ कितना जमा किया था रुपये, वहाँ कितना जमा किया था रुपये, वहाँ नहीं आज आज का पैसा सेफ में कितना रख के आए थे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। शाम शाम का भी समरी वही बनाते हुए पूरा 4 बजे बंद करते, नहीं तो मतलब ऐसे ही आंख बंद कर डाले हैं वहाँ, कोई खोल के अगर निकाल लेगा तो क्यों जिम्मेदार होंगे। पैसा मिलाया गया है, हुक्म था उसमें पैसा मिलाया गया, टिकट बना है, बिल्कुल टिकट बना है और हम उसमें मोबाइल दीजिएगा खोलिए तो सही, उसको खोलो, आप खोलो ना, आप तो है ना, आप खोलो उसको, अरे उसको खोलो तो जब तक करा देंगे, आप पहले खोलो उसको चेक तो करेंगे, इसमें व्हाट्सएप पे पूरा निकल जाएगा। सर खोलिए, सर क्या यार, खोलो उसको चेक, उसको देखो, आपको एक मोबाइल हमने चेक किया वो आपके पास है ना, हम आपको देखे जाएंगे, खोले लिया अभी आप चेक कर लेंगे, इसमें कुछ होगा ठीक है, नहीं होगा वापस कर देंगे, हम कोई पर्सनल चीज नहीं खोलेंगे, हमें क्या करना, आप अपना व्हाट्सएप चेक कराइए, मैसेज चेक कराइए, आपको वहाँ से पैसे लाना था, मुझे सब आ रहे थे, आप यहाँ पहले गिनती कराते फिर वहाँ का गिनती कर लेते, या तो हमसे पूछ के लाते ना वहाँ से,
हम आपको वहाँ जाने दे रहे हैं, ये हेलो भाई अरे उनसे क्या मतलब है, वो देखिए तुम्हारा पड़ता है पत्रकार भी वीडियो बना रहा है, ये सब नहीं कर रहे, ये सब बिल्कुल हेल्प नहीं, ये कोई हम ये तुम्हारा मोबाइल है उनका नहीं है, नहीं नहीं पासवर्ड तुमको मालूम है, तुम इसका मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे हो जो भी आप कह रहे हैं, नहीं इसका मतलब है मतलब आप गलत हो कहने का, आप जो कह रहे हैं जो कह रहे हैं उसको चेक करिए ना, उसको आप मेरी बात सुनिए, ये उनका मोबाइल तो है नहीं, आपका मोबाइल हम उसको चुरा के तो ले, पासवर्ड नहीं पता है, हम आप क्यों नहीं पता, जो आपका मोबाइल है तो क्यों नहीं पता, जब आप इसमें जब देखिए ये आप गलत बात कर रहे हैं, मैंने उसका मोबाइल का पासवर्ड डाली, हम उसको चेक कर लेंगे आपको सुना देंगे, हमें मोबाइल नहीं पता, तो ये गलत ये ठीक नहीं, ये आप इसका पासवर्ड आपको मोबाइल है आप उसको जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आप पासवर्ड नहीं बता रहे, आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, आप गलत साबित कर रहे हो अपने आप को, डीसीआई साहब भी बैठे हैं पत्रकार लोग भी हैं, इसको मतलब आप जान लो कि चोरी छिपाना चाह रहे हो, देखो आप इंसानियत देखिए, हम लोग कोई गलत आपके दुश्मनी नहीं, हमें ये जाँच करना, उस जाँच में कॉपरेट के लिए जाँच करना, आपका पर्सनल चीज भी कोई नहीं खोलेंगे, आप ही खोलो ना, आप ही मैसेज खोलो, चलो लो आप ही खोलो, पासवर्ड अभी नहीं पता, आप मोबाइल जब पासवर्ड अभी नहीं पता मतलब वाला मोबाइल कहाँ छोड़ा आप, आपका मोबाइल में आपको वापस कर देंगे, आप उनसे पूछ रहे पासवर्ड खोल, अरे आपका मोबाइल आप बताएंगे ना, आपका है पासवर्ड उनका खोल ही है, हमें पासवर्ड नहीं पता, चलो ये कैश जल्दी करो, और एक लिस्ट बना तो जाना है इनका, एक छोटा मोबाइल कौन सा है, बड़ा मोबाइल कौन सा है, रियलमी बड़ा है,